हेलो चिल्ड्रेन हाउ आर यू होप यू आल आर फाइन टुडे वी विल स्टडी लेसन थर्टी फोर एंड टॉपिक इज मोनी एंड हर डॉल स्टूडेंट्स इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड बच्चों हम इस लेसन में दिस का प्रयोग टी एच आई एस दिस का प्रयोग करके सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये देखेंगे ये सीखेंगे ठीक है देखिए बच्चों यहाँ पर एक बच्ची है उसके हाथ में एक डॉल है उसके पास एक कुत्ता है तो कैसे वो बच्ची बता रही है आई एम मोनी मैं मोनी हूँ दिस इज अ डॉल यह एक गुड़िया है दिस इज माई डॉल ये मेरी गुड़िया है दिस इज अ डॉग यह एक कुत्ता है दिस इज़ माई डॉग यह मेरा कुत्ता है तो बच्चों देखिए यहाँ पर मोनी ने अपना परिचय दिया उसने कहा मैं मोनी हूँ आई एम मोनी और उसके हाथ में एक डॉल है एक गुड़िया है तो वो पास में है इसलिए उसने दिस का प्रयोग किया दिस इज़ अ डॉल यह एक गुड़िया है और उसने वो गुड़िया उसकी है इसलिए उसने माई शब्द का प्रयोग किया दिस इज माई डॉल यह मेरी गुड़िया है उसके बाद उसके पास एक कुत्ता है और उस कुत्ते को वो बोलती है दिस इज अ डॉग यह एक कुत्ता है दिस इज माई डॉग ये मेरा कुत्ता है ओके बच्चों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पिक में एक बच्चा है उसका नाम सोनू है उसके पास एक कार है उसके पास एक बिल्ली बैठी हुई है तो वो कैसा बोल रहा है आई एम सोनू मैं सोनू हूँ दिस इज़ अ कैट यह बिल्ली है दिस इज़ माई कैट यह मेरी बिल्ली है दिस इज़ अ कार यह एक कार है दिस इज़ माई कार यह मेरी कार है बच्चों यहाँ पर देखिए बिल्ली पास में बैठी है इसलिए दिस का प्रयोग किया गया है और बिल्ली उसकी है इसलिए उसने माई शब्द का प्रयोग किया है माई यानी मेरा और कार भी पास में है इसलिए उसने दिस का प्रयोग किया है और चूंकि कार उसकी है इसलिए उसने माई कार कहा है ठीक है बच्चों हमारा एक्सरसाइज हम देखते हैं इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं रिपीट द सेंटेंसेस आई एम मोनी गुड बच्चों आपने बहुत अच्छे से रिपीट किया दिस इज अ डॉल वेरी गुड दिस इज माय डॉल वेरी गुड आई एम सोनू बहुत अच्छे बच्चों दिस इज अ कैट वेरी गुड दिस इज माय कैट वेरी गुड और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंसेस यूजिंग माई बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला है कैप है पेन है वॉच है बैट है तो इसमें माई वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है ओके तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं दिस इज माय अम्ब्रेला ये मेरा छाता है दिस इज माय पेन ये मेरी पेन है दिस इज माय कैप यह मेरी टोपी है दिस इज माय वॉच ये मेरी घड़ी है दिस इज माय बेड यह मेरा बल्ला है वेरी गुड बच्चों बच्चों आज का होमवर्क है लुक एट द थिंग्स इन योर होम एंड राइट फाइव सेंटेंसेस यूजिंग माई इन योर इंग्लिश नोटबुक बच्चों आप लोग अपनी अंग्रेजी की कॉपी में अपने आसपास की पांच चीज़ों को देखेंगे और माई का प्रयोग करके पांच वाक्य बनाएंगे बहुत अच्छा बच्चों और आप लोगों ने माई दीज ये सारे शब्दों को बहुत अच्छे से सीखा होगा Thank you, Bacho.